नगे च सुरेन्द्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय श्रवण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग 18वां भव नए सार की आत्मा का या प्रभु महावीर की आत्मा का और उसमें त्रिपृष्ठ के रूप में प्रभु महावीर की आत्मा है। प्रतिवासुदेव जिसको मारकर द्रव्य वासुदेव भाव वासुदेव बन जाते हैं तो उस समय अश्वग्रीव नामक प्रतिवासुदेव था, तीन खंडों का आधिपत्य कर रहा था। उसकी राजधानी थी रत्नपुर। तो प्रतिवासुदेव के कोई मन में विकल्प उठा होगा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु के अनेक कारण हैं, नाना गमो नाना मार्ग हैं मौत के आने के। मृत्यु तो सुनिश्चित है, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, चक्रवर्ती की क्यों न हो, आसातना न हो, तीर्थंकर की भी कभी न कभी मृत्यु तो होती है। तो प्रतिवासुदेव को यह जानना था मौत होगी किस रूप में मेरी, स्वाभाविक रूप में मौत आएगी या कोई मुझे मारेगा हत्या करेगा, यह जानकारी करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे जो सत्ताधीश लोग हैं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। राजनीति में कितनी कितनी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे लोग कहीं जाते हैं कितनी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, क्योंकि भी उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता है और लगता है खतरा भी उनको थोड़ा ज़्यादा होता है, तब सुरक्षा भी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो अश्वग्रीव ने सोचा मेरी जीवन की समाप्ति सहज होगी या परकृत होगी। तो ज्योतिषी यानी पंडित जो भी था पूछा, पंडित जी बताइए मेरे बारे में कोई, आप तो जानकार लोग हैं पंडित हैं, मेरा आयुष्य समापन कैसे होगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, किसी के द्वारा आपका वध किया जाएगा। तो अश्वग्रीव ने कहा वो वध करने वाला कौन होगा, मुझे कुछ लक्षण बताओ, नाम क्या, कौन आदमी मेरा वध करेगा, लक्षण बताओ या नाम जो भी। पंडित ने कहा मैं लक्षण दो लक्षण बता देता हूं, वो आदमी आपका हंता होगा। पहला लक्षण है कि आपका दूत है, राजदूत है चंडवेग, उसको जो व्यक्ति अपमानित करेगा वो आपका हंता होगा। यह पहली पहचान है। दूसरी पहचान है कि शाली क्षेत्र में आतंक फैला रहे शेर को जो व्यक्ति मारेगा वो ही व्यक्ति आपका हंता, यानी आपका हंता होगा। वो पहले यह दो काम करेगा फिर आपको मारेगा, वह यह मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अश्वग्रीव ने सोचा अब तो हमें इस पर ध्यान देना है कि मेरे दूत चंडवेग का कौन
अपमान करता है और कौन वो शेर को मारता है, उस पर हमें ध्यान रखना है। राजा का प्रतिवासुदेव का अपना कुछ तंत्र भी तो होना होता है, अपेक्षित होता है। राजनीति है तो वहाँ भी अपना तंत्र होता है, तो काम चलता है। अकेला आदमी तो कितना काम कर सके। संस्कृत में कहा गया, नैकेन चक्रेण रथ प्रयाति, नेगेन चक्केण रहो प्रयाई। जो भी एक चक्के से रथ नहीं चलता, कम से कम दो तो अनेक चक्के हों तब वो रथ चलता है। तो इसी प्रकार कुर्वीत सचिवांश तस्मात, कि राजा के लिए परामर्श है कि तुम राजा हो तो सचिवों की नियुक्ति करो, सचिवालय बनाओ। इतने काम हैं तो अकेले तुम कहाँ तक सक पाओगे, अपने सचिवों को रखो तो उनसे काम होता रहे। तुम भी अपना ध्यान रखो, सुपरविजन करते रहो, गाइडेंस देते रहो, प्रशासन करते रहो, तो सचिवों की नियुक्ति करो। तो राजतंत्र में भले लोकतंत्र हो, अनेक व्यक्ति चाहिए, मंत्रिमंडल चाहिए, सचिव चाहिए, कितने कितने लोग चाहिए, वो तंत्र पूरा होता है तो कोई कार्य, राज्य संचालन, व्यवस्था संचालन जो बड़ा हो काम होता है वह सुसंपादित हो सकता है। तो प्रतिवासुदेव भी जागरूक हो गया, अब देखना है कौन ये दो कार्य करने वाला व्यक्ति है। एक बार प्रतिवासुदेव का राजदूत चंडवेग निर्देशानुसार कई जगह गया कार्य करने के लिए, और वह कार्य करते 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 पोतनपुर भी गया, जहाँ यह त्रिकृष्ट और उसके पिता प्रजापति जो राजा थे, प्रजापति राजा थे, पोतनपुर की राज्यसभा लगी हुई थी। और राज्यसभा में भी उस समय एक संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। कईयों को संगीत में भी बड़ा रस आ सकता है कि संगीत कैसा, धार्मिक गीत भी होते हैं और धार्मिक गीत भक्तिमय गीत होते हैं, गाने वाला सुंदर एक संगायक होता है और जनता सामने होती है, अच्छी लय के साथ भक्ति के, धर्म के, अध्यात्म के गीत गाए जाते हैं, वो भी लोगों को बड़े सुहावने, बड़े मन भावने, बड़े प्रेरणादायी उनके लिए हो सकते हैं। हमारे कई साधु साधियाँ भी जो गीत गाने वाले, जिनका राग अच्छा, गला ठीक है, कुछ राग रागिणियाँ भी जानते हैं, तो राग रागिणियाँ जानते हैं तो यह प्रश्न है उनका गला ठीक रहता है या नहीं। हमारे कई संत भी गाने मधुर संगायक और गायक कई ऐसे गाने वाले हैं, तो उनका गला भी ठीक रहे, वो गाने की रुचि भी रहे। हमारे लगता है कई संतों में गाने की रुचि तो है, गाने की शौक है, कि गाने का मौका मिले, गाने का मौका मिले, तो वो गाने के भी भाव, वो भी ठीक अच्छी बात है, गाने की रुचि है और गला भी है, अच्छा गला, अच्छी राग भी आती है तो गीत अच्छा हो सकता है। तो पुरानी राग रागिणियाँ भी कुछ जो अच्छी हमारी पुरानी हैं उनकी भी जानकारी हो, गाने का अभ्यास हो और मौके पर गीत गाए जाएं, रात में एक, दिन में एक, व्याख्यान से पहले जब जैसे मौका मिले तो अच्छे गीत गाए जाएं, तो वे भी श्रोताओं को अच्छे भी लग सकते हैं और कम से कम थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य भाव, एक भक्ति का भाव भी पैदा करने वाले हो सकते हैं। आजकल तो हमारे वो धम्म जागरणा जो चलती है, संगीत संध्या होती है, तो गृहस्थों में भी कई बड़े गायक हैं, गृहस्थों में बहुत नामी कई गायक हैं, जगह जगह जाते हैं, वो धम्म जागरणा संगीत संध्या प्रोग्राम होते हैं और गीत गाते हैं, तो लगता है लोग उसमें रस भी, आनंद भी लेते हैं कि अच्छे गीत। आचार्य भिक्षु का दिन आता है,
भादवा शुद्धि तेरस का श्रीयारी में भी वो धम्म जागरण और भी जगह ऐसे होती है। तो ऐसे हमारे जो पूजनीय हैं आराध्य हैं उनके प्रति जो भक्ति के गीत होते हैं, क्यों एक तो हमारे आराध्य हैं उनके साथ हमारी भक्ति जुड़ी हुई है तो उनके बारे में भक्ति के गीत आते हैं, बड़े सुंदर गाए जाते हैं, सुंदर राग है, सुंदर भाव है, तो वे गीत बड़े एक आकर्षक बन सकते हैं। हमारे कई गीत बनाने वाले भी परम पूज्य गुरुदेव तुलसी संगान भी करते थे और कितने कितने गीत आचार्य भिक्षु के बारे में उनके नाम से कितने कितने गीत हैं। तो यह संगीत का भी अपना महत्व है। तो गाने वाले का गला अच्छा हो और बहुत भक्तिपूर्ण अध्यात्म पूर्ण गीत हो तो वे धार्मिक जगत में भी एक अच्छी उपयोगिता वाले सिद्ध हो सकते हैं। गीत सामान्य भी चलते हैं, फिर हमारे धर्म के क्षेत्र में धार्मिक गीत भक्तिमय गीत होते हैं उनका बड़ा एक महत्व होता है। वक्ता का जैसे महत्व होता है, वक्ता का तो है, कहीं कहीं वो गीत गाने वाले का भी। हमारे सिंगाड़े होते हैं तो सिंगाड़े न्यारा में विचरते हैं तो अगवाणी मान लो व्याख्यान दे दे और साथ में कोई साथ वाला गीत गाने वाला भी बढ़िया हो तो पहले गीत गा दे पहले बाद में बीच में कोई बखान हो जाए। तो कई बार वक्ता होता है वो गायक नहीं होता है, कई बार गायक अच्छा वक्ता नहीं होता है। कोई कोई को मैंने अनुभव किया वक्ता भी है और गायक भी, दोनों ही है वो, तो और ही बढ़िया बात हो जाती है। तो खैर अश्वग्रीव की वो राज्यसभा जुड़ी हुई थी और संगीत का अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा था, उस बीच वह दूत आ गया। अब दूत तो एक कोई काम से आ जाए तो अतिथि का तो एक थोड़ा मान सम्मान भी एक करने की रीत होती है। तो वो आ गया भी, राजा ने तो भी सोचा भी दूत आया है तो हमारे लिए सम्मान्य है, कोई बाहर का अतिथि किसी राजा के द्वारा संप्रेषित है। तो राजा ने भी अश्वग्रीव ने उसको मान सम्मान दिया, आओ आओ बैठो सम्मान दिया। वो आया तो थोड़ा वो संगीत का प्रोग्राम डिस्टर्ब सा हो गया, उसके आने से बीच में थोड़ी बाधा आ गई। तो वो त्रिपृष्ट था, उसने सोचा वगैरह क्यों बीच में आ गया, रंग में भंग कर दिया बीच में आकर के, इसने तो हमारा बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था बीच में डिस्टर्बेंस कर दिया इसने तो। तो त्रिपृष्ट ने उसका अपमान किया कि बीच में आ गए, प्रोग्राम के बीच में आ गए, अवमानित कर दिया। फिर दूत तो वहां से चला गया और दूत आखिर अपने राज्य में पहुंचा, अश्वग्रीव को सारी जानकारियां दी कि यात्रा कैसे रही, सारे काम संपन्न हुए कि नहीं हुए। तो अपनी रिपोर्ट यात्रा का विवरण बताते बताते वो चंद वेग बोला, मैं सारे जो काम आपने जो मुझे करने थे मैंने कर दिए हैं और यात्रा प्रायः मेरी अच्छी रही है। ये पोतनपुर की मेरा यात्रा जो वो थोड़ी बढ़िया नहीं रही, क्या हुआ, क्यों राजा अश्व वहाँ के अश्वग्रीव यानी पोतनपुर के प्रजापति जो हैं, मूल प्रजापति की बात है, पोतनपुर प्रजापति था राजा उसकी मूल बात है, तो उसने अपमान नहीं किया पर त्रिपृष्ठ ने कर दिया। तो महाराज उनका वो बेटा है त्रिपृष्ठ, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे अपमानित कर दिया उसने। ये बात कहीर अश्वग्रीव का दिमाग ठनका, अरे वो पंडित ज्योतिषी ने कहा था ना कि जो आपके राजदूत चंडवेग को अपमानित करेगा वो आपका हंता होगा। एक लक्षण तो मिल गया है, अब दूसरे लक्षण की ओर प्रतीक्षा कर लें वो घटित होता है क्या। एक बार अश्वग्रीव के राज्य में कुछ आतंक सा फैल गया और मानो कि किसान लोग आए प्रतिवासुदेव के पास कि महाराज हम तो बड़े परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, आप हमारी रक्षा करो, हम तो आपके शरणागत हैं।
क्यों, क्या बात है? सम्राटगर एक ऐसा शेर है जो यदा कदा हमारे साली क्षेत्रों में, खेतों में आता है। अब शेर आ जाए फिर हम वहाँ टिकें कैसे? या तो भागें, दौड़ें, कोई दौड़ता है, कोई गिरता है, कोई कुछ होता है। अब पता नहीं कब शेर आ जाए, तो मन में वो दहशत रहती है कब शेर आ जाए, कब शेर आ जाए। आप हमारी कोई सुरक्षा व्यवस्था करो, आप सिक्योरिटी व्यवस्था करो, शेर हमारा कोई नुकसान न कर सके, हम आराम से खेती कर सकें। ठीक है, व्यवस्था कर देते हैं। तो प्रतिवासुदेव ने आदेश दिया कि जो हमारे अधीन राजे हैं, छोटे छोटे राज्यों के जो राजा हैं, उन सब की बारी लगाई जाए। एक एक दिन वो राजा जाएं अपनी टीम के साथ और खेतों में सुरक्षा का कार्य संभाले। बहुत राजा है हमारे पास। तो जो उनका तंत्र था कि ऐसा निर्देश जारी करो, व्यवस्था बना दो, अमुक दिन अमुक राजा की बारी है। तो बारी शुरू हो गई। अब बारी में एक एक राजा का वो नंबर आने लगा, तो इस क्रम में प्रजापति का भी नंबर आया। तो प्रजापति तैयार हो रहा था कि आज जाना है साली क्षेत्रों में, खेतों में। तो त्रिपृष्ठ ने देखा कि पिताजी आज कहाँ जाने को तैयार हो रहे हैं। कहा, पिताश्री आज कहाँ पधारना हो रहा है? कहा, वत्स, आज तो हमारी बारी है, वो खेतों में सुरक्षा के लिए आज जाना हमारा दायित्व है। आज के दिन की हमारी बारी है, मैं जा रहा हूँ तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जा रहा हूँ, शेर का आतंक है। अब त्रिपृष्ठ ने तो वो निदान किया था ना, प्रबल बलशाली बनो। तो कह रहे, पिताजी को जाना पड़ेगा छोटे से काम के लिए, हमारे महाराज जाएंगे, हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर? जो भी त्रिपृष्ठ बोला, पिताश्री कहीं नहीं पधारना आपको, आप मेल में बिराजिए। तो बेटा बारी है, तो बारी बारी सब हम देख लेंगे, सब बारी देख लेंगे, आप बिराजो यहाँ। कभी कहीं उलाना न जाए मुझे कि कोई धान निकले, कोई उलाना नहीं आएगा आपको, आएगा तो हम लोग हैं उलाना, आप बिराजो जो भी। तो त्रिपृष्ठ और वो भाई, बड़ा भाई असल, दोनों तैयार हुए जाने के लिए, तैयार हुए, आगे बढ़े, शस्त्रास्त्रों से सज्जित हो गए और जानकारी की कि वो शेर रहता कहाँ है। जानकारी मिली कि वो तो मूल तो गुफा में ही निवास करने वाला, पर कभी कभी आता है। तो अभी कहाँ के, अभी तो गुफा में ही है शेर, चलो गुफा की ओर चलते हैं। दोनों भाई आगे बढ़े और कुछ गुफा से नैकट्य हो गया, तो दोनों ने नाद किया, जोर से नाद किया। नाद की आवाज को सुना तो शेर ने सोचा, रे ये कौन और कौन आ गया नाद करने वाला। तो एकदम आकृष्ट हो गया शेर, कौन आ गया? वो बाहर आया शेर, देखा रे, वो देखा शेर ने आदमी है, तो शेर उनकी ओर आगे जाने लगा और ये शेर की ओर आगे बढ़ने लगे। जिनकल की साधु होते हैं कि वो जैसे मानो निर्भीक होते हैं, त्रिपृष्ट मानो वो सांसारिक काम था, तो जिनकल की जैसे शेर से उसे डरते नहीं होंगे, तो ऐसे त्रिपृष्ट भी मानो एक अंश में तुलना करें तो जिनकल की तरह ये आगे बढ़ते गए, शेर की ओर आगे बढ़ते गए। अब एकदम निकट्य हो गया, बहुत निकट हो गए, तो त्रिपृष्ट ने देखा कि अरे ये शेर तो पैदल, हम तो रथ में बैठे हैं, तो बराबरी कहाँ हुई? हम भी बराबरी से काम करेंगे, वो पैदल हम भी पैदल, रथ को छोड़ दिया, हम भी पैदल ही चलेंगे, पैदल आगे बढ़ने लगे। फिर देखा, अरे शेर के पास तो कोई शस्त्रास्त्र है ही नहीं, हमारे पास इतने शस्त्रास्त्र हैं, क्यों हम भी बराबरी से ही काम करेंगे, छोड़ो शस्त्रास्त्रों को, शस्त्रास्त्र भी छोड़ दिए कि बिना शस्त्रास्त्र आगे बढ़े। अब आगे बढ़े, शेर भी निहत्था, ये भी निशस्त्र हो गए। आयारों का वो पहला अध्ययन है शस्त्र परिज्ञा,
तो मानो त्रिपृष्ठ ने तो एक अंश में देखें शस्त्र प्रज्ञा का प्रयोग कर लिया, आयारों के मानोद्यन का किसी अंश में किसी रूप में प्रयोग कर लिया, निशस्त्रीकरण। वो कई बार निशस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण की बात आती है, तो निशस्त्रीकरण सीखना है एक अंश में तो त्रिपृष्ठ से सीखें कैसे निशस्त्रीकरण कर दिया, शस्त्रों को छोड़ दिया, डिसआर्मामेंट निशस्त्रीकरण कर दिया। अब निशस्त्र होकर के आगे बढ़े, न अस्त्र है न शस्त्र। और अब शेर ने देखा, अच्छा मेरे सामने आए हैं, तो शेर दहाड़ा और दहाड़ के साथ त्रिपृष्ठ पर झपटने का मानो प्रयास किया। तो त्रिपृष्ठ जो कभी अहिंसा के पुजारी बनने वाले, अहिंसा के उपासक बनने वाले हैं, पर अभी तो वासुदेव बनना है, पहले तीर्थंकर बाद में, पहले तो वासुदेव बनना है, चक्रवर्ती बनना है, तीर्थंकर बनने में अभी देरी है। तो अभी तो सांसारिक लोग हैं, संसार में वो कर्तव्य निर्वाह भी संसार में चलता है। तो जब शेर यूं झपटने लगा तो त्रिपृष्ठ था वो लपक करके शेर के जबड़ों को पकड़ा, जबड़ों को चीरा, और चीरा क्या, शेर का प्राणांत हो गया। अब जो बारी चलती थी अब बारी समाप्त हो गई। ये समाचार फैला, अब कल नंबर किसका, अब कल किसका नंबर है कि नंबर कुछ नहीं है, नंबर बंद है, बारी बंद हो गई, अब तो बारी समाप्त है। अश्वग्रीव के पास सूचना मिली पहुंची, अरे वो बारी बारी बंद, अब कोई बारी नहीं है, बारी का कारण ही समाप्त हो गया है। अश्वग्रीव ने कहा बहुत, मैं यानी सोचा होगा अच्छी बात की, बहुत एक आतंक का समाधान हो गया, ये किसने किया ये काम, तो शेर को मार दिया, किसने मार दिया, तो सुना है वो प्रजापति के वो बेटे लोग गए थे, उन्होंने वो शेर को मार दिया है। अरे शेर को मार दिया, ओहो वो दूसरा लक्षण और मिल गया है, पहला लक्षण पहले मिल गया था कि राजदूत का अपमान करने वाला, दूसरा अब मिल गया कि शालिक क्षेत्र में आतंक फैला रहे शेर को मारने वाला वो त्रिपृष्ठ है, तो वो ही मेरा हंता है, ऐसा ज्योतिषी ने कहा था। अब दोनों लक्षण मिल गए हैं, अब त्रिपृष्ठ को समाप्त करना चाहिए। अब अश्वग्रीव तो इस योजना में है कि त्रिपृष्ठ को कैसे मारा जाए। तो वासुदेव प्रति वासुदेव में क्या अंतर है, प्रति वासुदेव वासुदेव को नहीं मार सकता, तो वासुदेव जो बनने वाला है वो प्रति वासुदेव को मार देता है। अब योजना तो यह है कि त्रिपृष्ठ को मारना है, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, कोई हम जैसे हों तो मौका मिले तो अहिंसा का संदेश भले दे दें, शांति का संदेश भले दे दें, तो मारना हिंसा वो अलग चीज है, संसार की चीजें हैं, अहिंसा परम धर्म है। अब कैसे, अश्वग्रीव की योजना क्या है और होता क्या है, आदि बातों का वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा। प्राणान शिष्ठम अभय प्रयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।